आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच पांचवें दौर की वार्ता जारी। दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है बातचीत। विज्ञान भवन में वार्ता से पहले किसान नेताओं ने दिखाई एकता। किसान संगठन के 40 से ज्यादा नेता वार्ता में शामिल। किसानों के साथ वार्ता से पहले पीएम मोदी के आवास पर टॉप लेवल मीटिंग। अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर। कृषि कानूनों के संशोधन के लिए सरकार है तैयार, लेकिन किसी भी सूरत में कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी सरकार। सूत्रों की माने तो किसानों पर एमएसपी पर लिखित आश्वासन मिल सकता है। मंडियों को बेहतर करने का भरोसा भी देगी सरकार। किसानों के साथ वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा उम्मीद है किसान सकारात्मक सोचेंगे और धरना खत्म करेंगे। बैठक से पहले किसानों का बड़ा ऐलान। विशेष सत्र बुलाकर के कानून वापस ले सरकार, नहीं तो 8 तारीख को भारत बंद। किसान आंदोलन का 10वां दिन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जवान तैनात। किसानों ने कहा केंद्र से बातचीत का आज कोई नतीजा नहीं निकला तो संसद का घेराव करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने डाला डेरा। सड़क पर ही खाना बना रहे हैं किसान। आंदोलन के साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं किसान। दिल्ली के टीटी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। आंदोलन की वजह से जाम के हालात, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। किसानों को आज की बैठक में समाधान की उम्मीद। प्रदर्शन कर रहे किसानों का अल्टीमेटम दिया है किसानों ने। 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग की। दिल्ली के सभी रास्ते बंद करने की चेतावनी। कहा 26 जनवरी को परेड में प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। किसानों ने आयोग के गठन की मांग की है। कृषि कानून पर आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी। गाजीपुर बॉर्डर पर जमे प्रदर्शनकारी। किसान के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। मेक इन इंडिया बॉक्स में बांटा गया है खाना। किसानों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन का धरना। तेजस्वी यादव के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लेफ्ट नेता भी मौजूद। कृषि कानूनों के खिलाफ चेन्नई में डीएमके का प्रदर्शन। पार्टी चीफ एमके स्टालिन भी रहे मौजूद। हरियाणा के इंडियन एसोसिएशन ऑफ अलायंस भी किसानों के समर्थन में उतरे। सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। भारतीय नाराजगी के बावजूद किसान आंदोलन को लेकर अपने बयान पर अड़े जस्टिस डूडो। कहा कनाडा हमेशा मानवाधिकारों के लिए दुनिया भर में खड़ा होगा। भारत के अंदरूनी मामले में ब्रिटिश सांसदों का दखल। भारत पर दबाव बनाने के लिए 36 सांसदों ने लिखी चिट्ठी। हैदराबाद की जीत पर ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। भाग्यनगर में सिर चढ़कर बोल रहा है भगवा। बीजेपी ने डाली टांग। 4 से सीधे 48 पर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले ही ट्रायल के लिए थी कोरोना वैक्सीन। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के ट्रायल पर दी सफाई। कहा कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2 डोज पर आधारित। इसमें 28 दिन का लगता है वक्त। देश में कोरोना के एक्टिव मामले घटकर के 4,20,000 से कम हुए। अब तक 90 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देशभर में 24 घंटे में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। संक्रमित का आंकड़ा 96 लाख के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 512 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,39,700 लोगों की मौत। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन के कार्गो मैनेजमेंट की तैयारी। हैदराबाद एयरपोर्ट फार्मा जोन में मौजूद होने के चलते सबके मुफीद। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,067 नए मामले आए सामने, जबकि 73 लोगों की हुई मौत। पंजाब में 24 घंटे में 726 नए मामले सामने आए, 20 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 2,76,000 के पार। प्रदेश में एक दिन में 1,934 नए मरीज आए सामने। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना के चलते 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,206 नए मामले आए सामने, जबकि 52 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 599 नए मामले सामने आए, 6 लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,247 नए मामले आए सामने, जबकि 13 लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की नींव रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिया है पीएम मोदी को न्योता। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान और चीन पर बड़ा हमला। जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा नहीं कर पाते उनकी हालत पड़ोसी मुल्क जैसी हो जाती है, जो न सड़क बनते और न ही चलते। विक्ट्री ऑपरेशंस के लिए सेना में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद को मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक सेना मुख्यालय की सिफारिश के बाद सरकार ने हामी भरी। पश्चिम बंगाल के असनसोल में बीजेपी की बाइक रैली पर हमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर की फायरिंग और पत्थरबाजी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। कर्नाटक के मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का भारी विरोध हुआ है। कन्नड़ समर्थकों ने बुलाया है बंद। राज्य के कई हिस्से असर देखने को भी मिल रहा है। यात्री परेशान हो रहे हैं। असम में निजी स्कूल कॉलेज की मनमानी पर लगाम लगाने की कवायद शुरू। सरकार ने गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए सालाना शुल्क तय किया। उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। देहरादून में हुआ उनका जोरदार स्वागत।
दिल्ली और नोएडा में एक बार फिर से प्रदूषण का कहर देखने को मिला। सीवियर कैटेगरी में पहुंचे एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली सटे गुरुग्राम में सीरियल किलर गिरफ्तार हुआ है। 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी तक पहुंची है पुलिस। अलीगढ़ में लव जिहाद मामले को लेकर के कोर्ट परिसर में हंगामा। हिंदू युवती को लेकर के शादी करने पहुंचा था समुदाय विशेष का युवक। योगी सरकार के मिशन रोजगार की शुरुआत। यूपी में 36,590 सहायक शिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने सहायक शिक्षकों से संवाद के दौरान कहा कि कोविड संकट में आपको बड़ा मौका मिला, बच्चों को मिलना चाहिए इसका फायदा। आजम खां के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से वसूली जाएगी विधायक पद से मिले वेतन और भत्ते की राशि। यूपी सरकार ने जारी किए 65 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश। अयोध्या के रुनाई में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन तैयार। 2 मीनारों और 2,000 नमाजियों की क्षमता वाली मस्जिद का धनीपुर में निर्माण। प्रयागराज कुंभ में हुए फर्जीवाड़े को लेकर 11 आरोपियों पर केस दर्ज। टेंट उपलब्ध कराने वाली कंपनी 109 करोड़ के फर्जी बिल लगाने का आरोप। अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज में अतीक की पत्नी के नाम दर्ज 3 संपत्तियों को प्रशासन ने किया कुर्क। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के बाद एक अपराधी गिरफ्तार हुआ, 2 फरार हो गए। बदमाशों के पास से हथियार भी पुलिस ने बरामद किए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 4 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत। पड़ोसी शख्स पर रेप का आरोप। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पीएम मोदी के नाम जमीन का बैनामा करने पर अड़ी बुजुर्ग महिला। अपने बेटों पर देखभाल न करने का लगाया आरोप। पेंशन से हो रहा है जीवन यापन। हाथरस की पॉक्सो कोर्ट ने पेश की नजीर। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 50 दिन में उम्र कैद की सजा। पुलिस ने कोर्ट में 9 दिन दाखिल कर दी थी चार्जशीट। जशपुर में सीएम बघेल के आम सभा के बाद जनता को चीटी लगे हुए खाने पैकेट बांटे गए। खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जशपुर में स्थानीय लोगों को खाना फेंक करके देने का भी वीडियो आया सामने। खाने के डिब्बे के लिए इकट्ठा हो गई थी भीड़। वीडियो हो रहा है वायरल। शहडोल में 13 बच्चों की मौत के बाद जागा है प्रशासन। जिला चिकित्सालय में तैनात किए गए 3 विशेषज्ञ। पीड़ितों के गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। मध्य प्रदेश के खरगोन में भीषण सड़क हादसा। जोरदार टक्कर के बाद 2 ट्रकों में लगी आग। एक ड्राइवर की आग में झुलस करके मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क हादसा हुआ। हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई, 12 घायल हुए हैं, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही। नारायणपुर में अमदाई खदान में बंद करने की मांग को लेकर के ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। 7 जिलों के हजारों ग्रामीणों ने यहां पर ओरछा सड़क पर किया चक्काजाम। रायपुर में कुछ दिन पहले विकास कार्यों के लोकार्पण के बीजेपी के सवाल। पूर्व मंत्री राजेश मूरत का आरोप, वगैरह टेंडर प्रक्रिया काम कराकर सरकार के संरक्षण में हुआ भ्रष्टाचार। माफिया के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी। उज्जैन में बदमाश शाकिर उर्फ अंटा का वैध मकान जमी दोस्त। मुरैना में भी सुकर के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में पुलिस का होका बार पर छापा। नशे की पार्टी में हिरासत में लिए गए लड़के और बार मैनेजर। पूछताछ के बाद छोड़ गई लड़कियां। गोपालगंज में बीजेपी नेता राजीव रंजन का लुंगी डांस। बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में हो सकता है मर्ज। जेडीयू में शामिल होने के बाद विधान परिषद के रास्ते मंत्री बन सकते हैं कुशवाहा। पटना में डीआरआई टीम ने राजधानी ट्रेन में 2 किलो सोना किया बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं का रैकेट। जबरन निजी क्लिनिक में नवजात को ले जाने का मामला। कार्यकर्ताओं ने की एम्बुलेंस ड्राइवर की पिटाई। बिहार के नालंदा में बदमाश बेखौफ। चंडी में थाने का घेराव करके आगजनी की। मरीज हॉल में मैरिज हॉल में घुस करके लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। शिवगंज में कांग्रेस कार्यालय का सीएम अशोक गहलोत ने किया वर्चुअल उद्घाटन। पीसीसी चीफ डोटासरा और प्रभारी अजय माकन की वीसी के जरिए शामिल होने की तस्वीर भी आई सामने। झालावाड़ में बड़ा हादसा टला। मतदाताओं को ले जा रही जिप्सी में लगी आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर हुआ है मंथन। सीएम गहलोत ने अधिकारियों से लिया फीडबैक। चिकित्सा मंत्री समेत कोविड ग्रुप के अधिकारी भी रहे मौजूद। रामेश्वर में बेहद ही पुराने रोमन कैथोलिक चर्च की दीवार ढही। तेज हवाओं के चलते ढही दीवार। मंत्री निर्मला सीतारमन का बयान। कहा महामारी में 30 करोड़ लोगों को किया कैश ट्रांसफर। आरबीआई ने एटीएम से लेन देन की नियम बदला है। 1 जनवरी से कर पाएंगे 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन। आरबीआई ने जारी बहुत जल्द करने का वादा किया है डिजिटल पेमेंट सुरक्षा की गाइडलाइंस। गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी दी है। अल्ट्राटेक करेगी 5,477 करोड़ रुपए का निवेश। कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर के 13.62 करोड़ टन हो जाएगी। बर्गर किंग आईपीओ 156 गुना हुआ है सब्सक्राइब। 810 करोड़ का फंड जुटाएगी कंपनी।
कैनबरा टी20 में टीम इंडिया की जीत, ऑस्ट्रेलिया के 11 रन से दीमार। टी20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बनाए थे 161 रन, जबकि चहल और नटराजन ने 3-3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में टीम इंडिया की जीत पर कोहली खुश, अंकुशन नियम के सहारे जीती टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर को मिली जगह। दक्षिण अफ्रीका का एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे स्थगित। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता की पुण्यतिथि पर कंगना ने दी श्रद्धांजलि, जयललिता पर बन रही फिल्म थलाइवी के सेट से शेयर की तस्वीर। वरुण धवन, नीतू कपूर को हुआ कोरोना, रुकी जुग जुग जियो की फिल्म की शूटिंग। नवाई बनने पर अरशद वारसी ने कहा, राजकुमार हिरानी के घर जाकर धमकाइए। सोनम कपूर की पति आनंद आहूजा संग रोमांटिक तस्वीर हुई वायरल, फैंस ने की जमकर तारीफ। आदित्य और श्वेता के रिसेप्शन का एक नया वीडियो आया सामने, इस वीडियो में गोविंदा डांस करते हुए आए नजर। मानुषी चिल्लर अपनी ड्रेस से निकालना भूल गई थी प्राइस टैग, वीडियो हुआ वायरल। चीन के चोंगकिंग कोल माइंस में बड़ा हादसा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने से 18 लोगों की मौत, कई लोग लापता। ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, हादसे में 16 लोगों की मौत, 24 लोग घायल, ओवरपास के करीब 49 फीट गहरी खाई में गिरी बस। अमेरिका के अलबामा में विस्फोटक, लगातार चिमनी का गिराया गया है, आर्थिक पुनर्विकास के लिए इस जगह को तैयार किया जा रहा है अमेरिका। कोरोना को मात देने के लिए जो बाइडेन का बड़ा प्लान, कोरोना से राहत पाने के लिए अगले साल सैकड़ों बिलियन डॉलर जारी करेंगे बाइडेन। पेरू के नए अंतरिम राष्ट्रपति फ्रांसिस्को सगस्ती के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों ने कई बड़े राजमार्गों को जाम कर दिया। कोरोना महामारी के चलते मियामी का 8 वीक कैंसिल किया गया है, करीब 2 दशक से दिसंबर के पहले सप्ताह में यहां पर कलाकारों का मेला लगता था। यरूशलम में चर्च ऑफ एल निसंस की आगजनी की कोशिश हुई है, पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, संदिग्ध ने चर्च के अंदर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की थी। नाना में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है, पूर्व राष्ट्रपति और नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के उम्मीदवार जॉन महाना ने अकरा का दौरा किया। कांच की बोतल को ढक्कन उतारने में माहिर शख्स का वीडियो वायरल हुआ है, आंख झपकते ही खोल देते हैं दर्जनों बोतल के ढक्कन। एक टीचर ने छात्रों को समझाने का अनूठा तरीका निकाला है, एग्जाम की आंसर शीट पर स्टिकर चिपका करके उन्हें बताई अपनी राय। रेस्टोरेंट में शेफ दिखा रहे थे आग का खेल, इतने में छत से गिरने लगा ढेर सारा पानी, शेफ और बाकी लोग हैरान, वीडियो वायरल। रेस्टोरेंट से आई हैरान करने वाली तस्वीर, एक शख्स स्कूटी के साथ ही रेस्टोरेंट में अचानक से घुस गया, बड़ा हादसा टला। दो बच्चों के बीच की लड़ाई कैमरे में हुई कैद, एक मछली के लिए दोनों के बीच हुआ घमासान, आखिरकार एक को जीत मिली, वीडियो देख हैरान हो जाएंगे। में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप, 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।